नमस्कार, मैं आई बाबा, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हो, पिछले दिनों कुछ दिन हुए मेरे पिताजी मर गए हैं, उनका देहांत हो गया, जिस कारण मेरी माँ विधवा हो गई है, हम यतीम हो चुके हैं। पहले हम आंखों की सेवा बाखूबी करते थे, हम पर कोई जिम्मेवारी नहीं थी। अब हमारे ऊपर हमारी माँ की जिम्मेदारी है। एक तो ये कारण है कि हम प्रसाद नहीं बना सकते, ना ही दे सकते हैं। कुछ और भी कारण है, हमारे हाथ उन कारणों ने बांध दिए, हम प्रसाद अपने बनाएंगे ना ही दे सकेंगे। इसलिए आप सबसे विनती है कि अब आप मिराकल आई ड्रॉप, नेत्र ज्योति प्रसाद, आंखों की दवा लेने, नेत्र ज्योति दरबार, गुरु नानकपुरा वेस्ट, जलंधर शहर ना आए। हाँ, अगर मेरे माताजी, उनका मूड अगर जब भी ठीक होता है हमें इजाजत देंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि आप तक मिराकल आई ड्रॉप मरीजों तक, नेत्रहीनों तक, बच्चों तक, लड़कियों के पास पहुंचा सकें। हमारी फिर कोशिश होगी, पहले हमें इस सदमे से निकलना है। और जो हमारे इर्द गिर्द माहौल बना हुआ है इस समय, वो ठीक हुआ तो देखेंगे। हमारी मजबूरियां, हमारी इस बात को आप अच्छी तरह समझोगे और समझ रहे हो, मैं समझता हूं। तो आप हमारे पास मिराकल आई ड्रॉप नहीं लेने आओगे जब तक हम नहीं कहते। और ये मत सोचना कि हम आपकी सेवा से भाग रहे हैं। भागना हमारे स्वभाव में नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी आंधियां आई, रुक गए, आंधी निकल गई, हमने फिर प्रसाद देना शुरू कर दिया। उस परम पिता ने, आपके आशीर्वादों ने हमें बहुत बल दिया हुआ है, बुद्धि भी दी हुई है, और मैं समझता हूं आप हमें सहयोग देंगे। ना आप परेशान होंगे, ना हमें परेशान करेंगे। आपको देखकर भी हम दुखी हो जाएंगे, तो जब हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से जुड़े रहे, समय आने पर हम आपकी सेवा के लिए तैयार रहेंगे। एक और विनती, हमारा ये मैसेज जन तक, जन जन तक पहुंचा दें, ताकि जो वृद्ध नेत्र रोगी हैं, जो मासूम दृष्टिहीन है, जहाँ जो बच्चे जो भी आते हैं, यहाँ पर कोई परेशान ना हो, आपकी ये सेवा हम तक पहुंच जाएगी। और हमें प्रसाद बंद होने से के कारण भी परेशान है। अगर कोई हमारे कारण और कोई परेशान होगा तो हमें और ज्यादा दुख होगा। इसलिए ये हमारी मदद करनी है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आप तक प्रसाद पहुंचा देंगे। नमस्कार।